डेढ़ साल के बाद ये वीडियो आ ही गई। आई नो बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, बट टीवी फैस ब्रांड एक ऐसा जेन्युइन कंटेंट है जहाँ क्रिएटर्स ने इतनी मेहनत की है कि एक डिटेल ब्रेकडाउन वीडियो तो बनता ही है। लास्ट ईयर हम लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत झंडे गाड़े, डिबेट्स की डिस्कशन किया बॉलीवुड के नेपोटिज्म पे, फेवरेटिज्म पे, ग्रुपिज्म पे। देखो फंडा एकदम क्लियर है, कुछ टट्टी जैसा कंटेंट अगर लोग वायरल कर रहे हैं तो वो एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम यह है कि अच्छा कंटेंट लोग नहीं देख रहे या फिर वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा। अभी तक यूट्यूब पे आपने टीवी फैस फ्रेंड्स नहीं देखा हो तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, जैसे आपके भाई की शादी हो या बहन की शादी हो वैसे घर का काम समझ के ये वेब सीरीज जरूर देखना, आपका एक मिनट भी वेस्ट नहीं होगा। इस ब्रेकडाउन वीडियो में हम देखेंगे ऐसे छोटे डिटेल्स जो शायद आपने मिस कर दिए हैं, जैसे गुरी का बहरापन राइटर ने सेकंड एपिसोड में ही हाईलाइट किया है, क्या एसके सर ने सच में उसके बाइक को नीली बत्ती लगाई है, क्या शो के कैरेक्टर्स किसी रियल आईएएस ऑफिसर से इंस्पायर्ड हैं, और ऐसे ही टीवीएफ एस्पिरेंट से जुड़े हर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। अगर आप टीवीएफ यूनिवर्स के फैन हो, जेन्युइन ओटीटी कंटेंट देखना आपको पसंद है तो ये वीडियो पूरा देखना। सीधा मुद्दे पे आते हैं, वीडियो का फ्लो एपिसोड वाइज होगा। फर्स्ट एपिसोड में ओपनिंग सीन में आईएएस अभिलाष लोगों को एमआरपी का इम्पोर्टेंस और प्लास्टिक बॉटल को डंप करने का सही तरीका डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये सीन एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, आप देख सकते हो, जहां एक ऑफिसर कुछ इसी प्रकार से लोगों में अवेयरनेस फैला रहा है। तो यही चीज मैं बता रहा हूं कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आप कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। एक तो 15 रुपए के बॉटल को आप 20 रुपए में बेचते हुए आप खरीद रहे हैं। आप लोग सब सुन लिए ना, 20 रुपए में नहीं खरीदना है, 15 रुपए में खरीदना है। और ये जो बॉटल है, ये बॉटल को कैसे फेंकना, ये बोल रहे हैं कैसे ही फेंकना, इसी में पानी भर के आपको सील करके दे देगा। फिर इस ओपनिंग सीन में या फिर लास्ट एपिसोड में रस्ते के इंस्पेक्शन वाले सीन में अभिलाष को देख के हमेशा उत्तराखंड के आईएएस ऑफिसर दीपक रावत सर की याद आती है। इनफैक्ट हमारे श्वेत केतु सर यानी एसके सर की ड्रेसिंग स्टाइल भी इनसे काफी मिलती जुलती है। दीपक रावत आईएएस नाम से एक यूट्यूब पे चैनल है जो शायद उनका फैन क्लब चलाता है। एक आईएएस ऑफिसर के पावर्स और उनको ऑन फील्ड आने वाले चैलेंजेस अगर आपको देखने हैं तो ये चैनल एक बार जरूर विजिट करना। लोकेशन टीवीएफ के शोज में हमेशा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप कोटा फैक्ट्री देखते हो तो आपको लगेगा कि आप खुद कोटा में हो। अगर आप पंचायत देखोगे तो आपको उत्तर प्रदेश के फुलेरा गांव की खुशबू आएगी। टीवीएफ की टीम ने लिटरली ओल्ड राजेंद्र नगर का माहौल क्रिएट किया है। रियल लोकेशन, छोटी मोटी गलियां, रिक्शा वाले, चाय की टपरी, बुक स्टोर्स, इन सब के वजह से कहानी को, एक्टर्स को एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मिलता है। और इस ओल्ड राजेंद्र नगर वाले माहौल के लिए टीवीएफ एस्पिरेंट्स के प्रोडक्शन डिजाइन एंड मैनेजमेंट टीम को 100 out of 100 मार्क्स मिलते हैं। लबासना से नहीं, यूपीएससी की प्रिपरेशन से शुरू हो जाती है। AIS बनने की ट्रेनिंग लबासना से ना। पूरे सीरीज में आपने लबासना ये वर्ड ऑलमोस्ट हर एपिसोड में सुना होगा। लबासना का फुल फॉर्म है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यूपीएससी क्लियर करने के बाद और एक्चुअल सर्विस ज्वाइन करने से पहले सारे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। यूपीएससी क्लियर करके मसूरी उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच लबासना में ट्रेनिंग लेना हर एस्पिरेंट का एक ख्वाब होता है। अभिलाष ने अपने कमरे में बहुत सारे पोस्टर्स लगाए हैं, लेकिन लबासना का पोस्टर्स 2-3 एपिसोड में हाईलाइट होता है। लबासना जाने का सपना एसके का भी था लेकिन वो अधूरा रह गया, लेकिन उसने अपने बाइक पे ही नीली बत्ती लगा दी है। 3 साल पहले यानी 2018 तक इंडिया में वीआईपी ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स को लाल नीली पीली बत्ती अपने ग्रेड के अनुसार लगाने का अधिकार था। सेकेंड और फिफ्थ एपिसोड में कुछ सेकेंड्स के लिए हम एसके के बाइक पे लगी हुई नीली बत्ती देख सकते हैं। यूपीएससी का सिलेबस अपने आप में ही एक गजब और प्रचंड व्यवस्था है। इसी सिलेबस के रेफरेंस आपको हर एक एपिसोड में मिलेंगे और यही छोटी चीजें सीरीज को और रियलिस्टिक बनाती है। दूसरा हमने देखा कि कौन कौन सा आर्टिकल इन्वॉल्व था। तीसरा ये पूना पैट का जो हिस्ट्री वाला एंगल था वो भी देख लिया। इंदिरा साहनी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कोई कंफ्यूजन है? टॉपर्स के आते हैं। 61 तुमने तो उसको फेल ही कर दिया। नहीं मैंने बिल्कुल, शिट, लक्ष्मीकांत अंदर भूल गई। अपन दोनों भाई मिलके खेती करेंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, हरित क्रांति लाएंगे और स्वामीनाथन बनेंगे यार, है कि नहीं? और जय जवान, जय किसान। मुझे तो लगता है अगर टीवीएफ की रिसर्च टीम में रियल में यूपीएससी दे दी तो 1-2 का प्रीलिम्स भी निकल जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड एपिसोड के सबसे इम्पोर्टेंट सीन में। आईएएस ऑफिसर के सेमिनार के पहले अभिलाष, एसके और गुरी जब एक बुक शॉप में दिखाई देते हैं तब एसके कवि कुंवर नारायण की अंतिम ऊंचाई कविता का जिक्र करता है। वो नहीं रहा है तो कुंवर नारायण, इनकी कविता है गुरी, अंतिम ऊंचाई।
और एक छोटी किताब अभिलाष को देता है। ये वही बुक है जो अभिलाष लास्ट एपिसोड में पढ़ रहा होता है कवि कुंवर नारायण जी की अपने सामने। यूपीएससी के लास्ट अटेम्प्ट में फेल होने के बाद वो कुछ बुक्स अपने बाजू वाले रूम में आए नए एस्पिरेंट को देता है, मगर उसमें से ये बुक वो अपने पास ही रखता है। अंतिम ऊंचाई ये कविता मैं कमेंट में डाल रहा हूँ, आप वो जरूर पढ़ना, क्योंकि ये कविता इस पूरे वेब सीरीज की समरी है। और ये कविता जब अभिलाष के वॉइस ओवर में बैकग्राउंड में चलती है तो एपिसोड एक अलग ही लेवल पे चला जाता है। अब इस सीन में जब गुरी का मोबाइल जोर से बजता है तब बाकी दोनों उसे टोकते हैं, तो गुरी का एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह होता है। हमें फिफ्थ एपिसोड में पता चलता है कि गुरी पार्शल डेफ यानी उसे बहरेपन की बीमारी है, तो अगर उसने फोन साइलेंट या फिर वाइब्रेशन पे रख दिया तो उसे बहुत ही दिक्कत आ सकती है, और शायद इसीलिए गुरी अपना फोन कभी साइलेंट पे नहीं रखता। इसी के साथ हम पूरे शो में गुरी को जोर जोर से बात करते हुए देखते हैं। अरे बिना पूछे ग्रुप कैसे बनाया मुझसे? उसका वीडियो नहीं देखता रहता। अरे वीडियो देखा। नॉर्मली जिनको सुनने की तकलीफ होती है वो हमेशा जोर से बात करते हैं। इनफैक्ट आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप हेडफोन्स लगा के कुछ सुनते हो और अगर साइमल्टेनियसली मम्मी पापा ने आपको कुछ पूछा तो आप आपके नॉर्मल वॉइस टोन से थोड़ा जोर से बात करते हो। गुरी को इस वजह से दो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट है, ये डायरेक्टली हमें फिफ्थ एपिसोड में पता चलता है, लेकिन इनडायरेक्टली राइटर ने ये बहुत ही पहले खूबसूरती से हाईलाइट किया है। सेकेंड एपिसोड में अनुराधा मैडम अपने स्पीच में एक सिरेमिक पॉट्स वाला एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल देती है। 2017 के टॉपर मिस्टर अनुदीप दुरुशेट्टी ने अपने स्पीच में ये एग्जाम्पल दिया था। द रिजल्ट वॉज दैट द फर्स्ट ग्रुप मेड बेटर लुकिंग एंड परफेक्ट पॉट कंपेयर टू द सेकेंड ग्रुप एंड ही इमीडिएटली अंडरस्टूड वाई बिकॉज द फर्स्ट ग्रुप वर मेकिंग बिजी मेकिंग एंड फेलिंग एंड लर्निंग they would understand and then keep improving whereas the second group was just thinking of making that perfect pot and when they finally made it it was not anywhere close to the first group aur ye SK ki jo favorite line hai wo dushyant kumar ji ki panktiyan hai dushyant ji hindi ghazal aur kavita ke kshetra ke bahubali the 9-10 साल पहले सत्यमेव जयते का एक ट्रेलर आया था, तब आमिर खान ने भी दुष्यंत जी की कुछ पंक्तियों का सहारा लिया था, वो ट्रेलर काफी वायरल हुआ था। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। फिफ्थ एपिसोड में हमें पता चलता है कि संदीप भैया का यूपीएससी नहीं निकला और उन्होंने पीसीएस क्लियर कर दिया है। उत्तर प्रदेश स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के एग्जाम को पीसीएस यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट एपिसोड में इरेगुलर लाइट बिल्स को लेके अभिलाष अपने सबॉर्डिनेट्स को डांटता है और ये सीन भी एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। जनता में रहते हैं एक-एक चीज की ध्यान है, वो वैसा मत समझना कि ऊपर-ऊपर का अपने चपलू करके इनको जवाब दे देंगे। मैं वैसा कुछ भी नहीं कह रहा हूं। जिस आलू उपभोक्ता का कोई कनेक्शन नहीं है आप उसका बिल जनरेट कर रहे हैं। गर्मियों के बिल देखे आपने अप्रैल के मई के, अप्रैल में कौन सी खेती होती है बताइए, सीजन से ज्यादा बिल अप्रैल में मई में क्यों आ रहे हैं? धैर्या का कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि वो अपने लाइफ में बहुत ही क्लियर है, फोकस है और सॉर्टेड है। धैर्या के रोल में नमिता दुबे ने एकदम ही स्मूथली काम किया है। नमिता ने इसके पहले डेली सोप में काम किया है और शायद आपने उनको मैं तेरा हीरो मूवी में देखा होगा। शिवांकित भाई के बारे में अभी क्या ही कहना, टीवीएफ बैचलर्स, क्यूबिकल्स और मेरा फेवरेट रबीश की रिपोर्ट, हर एक किरदार में हर एक स्केच में वो धमाल कर देते हैं। थर्ड एपिसोड में गुरी को यह पता चलता है कि अभिलाष ने धैर्या ने दिया हुआ चश्मा उसके बॉक्स के साथ 6 साल के बाद भी संभाल के रखा है। यहाँ पे शिवांकित ने बहुत दिनों का गिल्ट और एक्सट्रीम लेवल की बेचैनी, ये दोनों एक्सप्रेशन का एग्जीक्यूशन कमाल का किया है। श्वेत केतु यानी एसके का रोल किया है अभिलाष थपलियाल ने। बिहारी भाषा का हल्का सा लहजा अभिलाष ने इस कैरेक्टर को जो दिया है वो एकदम परफेक्ट है। अभिलाष ने करियर की शुरुआत एज ए रेडियो जॉकी एंड इवेंट होस्ट की थी। संदीप भैया इस शो की जाने सनी हिंदुजा ने कुछ ऐसा परफॉर्मेंस किया है कि अभी आप इस रोल में दूसरे किसी को सोच ही नहीं सकते। कुछ कैरेक्टर्स को स्क्रीन टाइम बहुत ही कम मिलता है लेकिन वो पूरा मार्केट खा जाते हैं। संदीप भैया की बात करें तो पूरा मार्केट क्या, उन्होंने पूरा ब्रह्मांड खा दिया है। पहले 4 एपिसोड में कॉन्फिडेंट विदाउट प्लान बी अपने ही जलवे में चलने वाले संदीप भैया जब 5th एपिसोड में लोगों के सामने आते हैं तो वो बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन एंड ओवरऑल एटीट्यूड का ट्रांसफॉर्मेशन देख के सारे हैरान हो जाते हैं। नवीन कस्तूरिया ने अभिराज का रोल किया है और हर एक स्टेप के बाद उन्होंने इस कैरेक्टर को डेवलप किया है। कंफ्यूज, नेगेटिव ईगो को पकड़ के रखने वाला, प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने वाला अभिलाष,
धीरे धीरे पॉजिटिव अप्रोच के साथ सॉल्यूशन पे फोकस रहने वाला अभिलाष बन जाता है। नवीन जैसे तगड़े एक्टर के वजह से अभिलाष की लाइफ में आया हुआ स्टेप बाय स्टेप ट्रांजिशन ऑडियंस फील कर सकती है। डायरेक्टर अपूर्व सिंहकर की 2013 से टीवीएफ से जुड़े हैं। एस्पिरेंट से पहले उन्होंने फ्लेम्स, कॉलेज रोमांस, इंजीनियरिंग गर्ल्स, आम आदमी फैमिली और बहुत सारे स्केचेस डायरेक्ट किए हैं। लाइफ के एक फेज में उन्होंने भी यूपीएससी का एक अटेम्प्ट दिया है और वो पूरे प्रोसेस से जा चुके हैं और इसीलिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग और जेन्युइन रेफरेंसेस के साथ ये वेब सीरीज बनाई है। द टाइम लर्नर्स यूट्यूब चैनल के वो क्रिएटिव हेड है और एज ए एक्टर आपने उनको बहुत सारे स्केचेस में देखा होगा। अब बात करते हैं संदीप भैया के बाप की, या यू कहो सारे एक्टर्स के बाप की, जो है वेब सीरीज के राइटर दीपेश सुमित्रा जगदीश। आपने दीपेश भाई को फ्लेम्स में एज अ कौशल सर देखा होगा और पंचायत में फोटोग्राफर वाला कैरेक्टर कौन भूल सकता है। यूपीएससी का ही सब्जेक्ट लेके इन्होंने ऑलरेडी द स्क्रीन पति चैनल पे दो अलग अलग स्केचेस लिखे थे। 10-20 मिनट वाले इन वीडियोस का जॉनर कॉमेडी था, लेकिन इससे अलग टीवीएफ एस्पिरेंट्स ये फुल फ्लेज 5 एपिसोड वाली वेब सीरीज है और इसी कंपैरिजन से आप दीपेश भाई के राइटिंग की रेंज और वेरिएशन का अंदाजा लगा सकते हो। दीपेश ने एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है जो राधे के फैंस को लेके टेनेंट के फैंस तक सबको अपनी लगती है और पसंद आती है। स्क्रिप्ट इतनी स्मार्ट और तगड़ी है कि वो हर एपिसोड में आखिर में कुछ ना कुछ ट्विस्ट डालते हैं और इस वजह से आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना ही पड़ता है। पूरी वेब सीरीज में ऐसी छोटी लाइंस आती है जो सुनने में बहुत ही सिंपल लगती है, लेकिन उसका मीनिंग और इम्पैक्ट बहुत ही पावरफुल होता है। बेशक सनी हिंदुजा ने संदीप भैया के रोल में आग लगा दी है, लेकिन दीपेश की स्क्रिप्ट इसमें पेट्रोल का काम करती है। फिर चाहे वो अभिलाष के साथ किए गए सारे डिस्कशंस हो या फिर लास्ट एपिसोड वाला सीन हो, दीपेश की स्क्रिप्ट इतनी प्रिसाइज है कि इस वजह से एक्टर्स और डायरेक्टर का आधा काम आसान हो गया है। और फोर्थ एपिसोड में भाई ने जो पोएम लिखी है, हर एक में पागलपन है, वो गजब है भाई। मतलब मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मैं पोएम डाल रहा हूँ, आप जरूर पढ़ना। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, म्यूजिक। तुषार मलिक ने बैकग्राउंड म्यूजिक में जो टीवीएफ एस्पिरेंट की थीम बनाई है वो बहुत ही कमाल है। डेमो का जिंदगी, धागा, मोहबंग, उसका फीमेल और मेल वर्जन, सारे सॉन्ग्स बॉलीवुड के लेवल के लगते हैं। इनफैक्ट बहुत दिनों के बाद कुछ अच्छा सुनने मिला है जिससे सुकून मिलता है। धागा ये सॉन्ग रीयूज किया गया है, इसके पहले टीवीएफ के ही ये मेरे फैमिली वेब सीरीज में ये गाना हम लोगों ने सुना था। गजब की बात यह है कि अगर आप दोनों सिचुएशन देखोगे तो ये गाना दोनों सिचुएशन में 100% रिलेटेबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। आपके फ्रेंड सर्कल में जिन्होंने भी टीवीएफ एस्पिरेंट्स देखा है या आपने उनके साथ डिस्कस किया है तो ये वीडियो जरूर शेयर करना। कोई क्वेश्चन होता है कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं आंसर कर दूंगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो और रील्स और टिकटॉक जैसे जमाने में आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करना। करोना नहीं गेला अजून दुसरी लाट बेकार।